दोस्तों, मैं रक्षिता मिश्रा, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, पिछले एक साल से कोरोना के कारण देश के सभी लोग बहुत परेशान हैं, पर सबसे ज्यादा जिसके मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ा है वो है स्टूडेंट। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से स्टूडेंट, पेरेंट्स और अपोजिशन एग्जाम कैंसिल कराने की कंटिन्यूसली मांग कर रही है, और फाइनली गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन लेते हुए CBSE बोर्ड में चेंजेस करने का फैसला लिया है। बट स्टिल मेजोरिटी स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन लेने के बावजूद स्टूडेंट और पेरेंट्स के कुछ सेक्शन अभी भी खुश नहीं है। पर वो खुश क्यों नहीं है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से कई स्टेट्स के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग रहे थे जब उन्हें पता चला कि बोर्ड के एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होने वाले हैं। कोरोना के सेकेंड वेव में जब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजर हो गई है, बोर्ड के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एग्जाम कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए CBSE 10th बोर्ड का एग्जाम कैंसिल कर दिया है। मतलब अब स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के बेस पर नहीं बल्कि इंटरनल असेसमेंट के बेस पर मार्क्स दिया जाएगा और आगे की क्लास में प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों, ये डिसीजन तो उन बच्चों के फेवर में था जो एग्जाम के अगेंस्ट थे, पर स्टूडेंट्स के अभी भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई की है, प्रिपरेशन की है, ये उन बच्चों के लिए डिसएडवांटेज है। पर दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखते हुए सरकार ने एक ऑप्शन दिया है कि अगर बच्चे इंटरनल मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो वे वेट कर सकते हैं कोरोना में सुधार आने का, उसके बाद ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जो जेन्युइनली एग्जाम लिखना चाहते हैं। के अलावा CBSE 12th बोर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए, पर अभी तक इस चीज की क्लैरिटी नहीं दी गई है कि एग्जाम कौन से मंथ में कौन से डेट पर कंडक्ट किया जाएगा। पर सरकार ने कहा है कि 1st जून को सिचुएशन को रिवैल्यूएट किया जाएगा और उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि एग्जाम कौन से डेट को कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, एग्जाम पोस्टपोन कराने के बाद भी 12th के स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे 10th क्लास का एग्जाम कैंसिल हो गया, 12th का भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। पर दोस्तों, एग्जाम पोस्टपोन कराना कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि जितना एग्जाम डिले होता रहेगा स्टूडेंट्स के अंदर उतनी ही ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होती रहेगी, और ये चीज उनके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पर दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखते हुए सरकार ने ये कहा है कि जब भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उससे 15 दिन या 1 वीक पहले बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कल एग्जाम है तो आज इन्फॉर्म किया जाएगा, तो इस मामले में बच्चे स्ट्रेस फ्री रहे। दोस्तों, एग्जाम पोस्टपोन कराना एक सही डिसीजन नहीं है, इसके फेवर में कई आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं। पर क्या है वो आर्ग्यूमेंट्स, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला आर्ग्यूमेंट है कि COVID-19 कब तक खत्म होगा इसका किसी को कोई आइडिया नहीं। लास्ट ईयर जब एग्जाम को पोस्टपोन कराने की बात चल रही थी, उस वक्त किसी को पता नहीं था कि कोरोना वायरस कितना ज्यादा पावरफुल है। वो COVID-19 का फर्स्ट वेव था, तो लोगों को लगा कि आफ्टर लॉकडाउन कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इवन हम देख सकते हैं कि देश में कोरोना के कारण लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कोविड का एंड कब तक होगा, कब तक इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो एग्जाम को पोस्टपोन करते रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों, दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि अगर एग्जाम्स ऐसे ही पोस्टपोन होते रहेंगे तो स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एडमिशन लेने के लिए 12th का रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि फिर क्या किया जाए, एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किया जाए। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम्स का ऑप्शन है, बट यहाँ भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास अच्छी स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है, अच्छी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी कंडक्ट नहीं किया जा सकता। फिर क्या ऑप्शन रह गया, कैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि 10th बोर्ड की तरह 12th बोर्ड का भी एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए, उन्हें भी इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मार्क्स देना चाहिए और आगे के क्लास पे प्रमोट करना चाहिए, और उन्हें भी ये ऑप्शन देना चाहिए कि इफ कोई इंटरनल मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। इससे ना तो ज्यादा क्राउड क्रिएट होगा और स्टूडेंट्स अपना एग्जाम भी दे पाएंगे। दोस्तों, एग्जाम कैंसिलेशन सिर्फ CBSE का ही नहीं बल्कि ICSE ने भी अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। इसके अलावा बंगाल में भी 10th और 12th का एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, UP और बिहार में एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि
सारी ही कंट्री की है और सभी कंट्री अपने अपने तरीके से इस प्रॉब्लम से डील कर रही है। जैसे कि कुछ कंट्रीज हैं जो बच्चों को इंटरनल बेस पर मार्क्स दे रही हैं, कुछ कंट्रीज बच्चों को ओरल के बेस पर मार्क्स दे रही है, तो कुछ कंट्री एग्जाम कैंसिल करवा रही है और कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं विद एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अपना ओपिनियन या सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।